भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुल रहे हैं और कॉलेज खुलने वाले हैं और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अभिभावकों की अनुमति जरूरी हो गई है। कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। 50% क्षमता के साथ कक्षाएं चलने वाली हैं, तो कॉलेज खुलने वाले हैं, 50% क्षमता के साथ कक्षाएं जो हैं वो संचालित की जाएंगी। नए छात्रों को हॉस्टल में हालांकि एंट्री नहीं मिलेगी, तो हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलने वाली है। जो नए छात्र होंगे उनको हॉस्टल में एंट्री अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अभिभावक की जो अनुमति होगी वो फिलहाल उन पर अनुमति जो है वो लेनी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो जाएगा और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनकी अनुमति भी जरूरी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सदफ हामिद जुड़ गई हैं। सदफ, काफी लंबे समय से जो छात्र इंतजार कर रहे थे कॉलेज, उनके लिए आज से खुल गए हैं, काफी राहत वाली खबर है। बिल्कुल, देखिए छात्रों के लिए एक राहत की खबर है, जहां आज से कॉलेज अनलॉक हो गए हैं, लेकिन इस बार कॉलेज का जो नज़ारा होगा वो बदला हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा। साथ ही जो प्रोफेसर्स की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे उनका भी छात्रों को पालन करना ज़रूरी होगा। छात्र जब कॉलेज में एंट्री लेंगे तो पहले उनसे अनुमति पत्र मांगा जाएगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि जो कॉलेज के छात्र हैं 18+ हैं तो उनका वैक्सीनेशन ज़रूरी रखा गया है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जो जिस स्टूडेंट ने वैक्सीन लगवाई होगी सिर्फ उसी को क्लास में बैठने की अनुमति दी जाएगी और जिसके पास अनुमति पत्र होगा उसको कॉलेज में एंट्री दी जाएगी। इसके बाद जब कॉलेज में एंट्री मिल जाएगी तो तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। जिस तरह से देखा जाता पर कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं ग्रुप में झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं, इस तरह का इस बार नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। ये इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। लंच कोई शेयर नहीं कर सकेगा या ही ना ही कोई कैंटीन में जाकर साथ खाना खा सकेगा। ये तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं इन सभी का जो छात्र हैं उन्हें पालन करना होगा और 50% क्षमता के साथ ही जो क्लासरूम है उसमें बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, तो जो नए फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास करके कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, फर्स्ट ईयर है उनका, उनको फिलहाल हॉस्टल में जाने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। जी सदफ, लेकिन अभी भी तीसरी लहर की जो आशंका है वो भी बनी हुई है, लेकिन बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे हैं उनको नहीं चाहते कि वो छात्र कॉलेज जाएं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन रखी गई हैं? क्या ऐसे भी छात्र हैं कि वो स्कूल नहीं जो वो कॉलेज हैं वो नहीं आ सकते हैं? देखिए अंजलि, ये चीज़ जो पहले से 5वीं तक के बच्चे हैं उनके यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है, उनके अभिभावकों के मन में डर है, क्योंकि तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है। कॉलेज स्टूडेंट्स में इस तरह की बात इसलिए नहीं देखने को मिल रही क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है छात्रों का, और जिनका वैक्सीनेशन नहीं होगा उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि उनके अभिभावकों के लिए डर की बात नहीं है, उनके स्टूडेंट्स का, उनके छात्र का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन ये समस्या आ रही है पहले से 5वीं तक के बच्चों तक या 12th तक के भी बच्चों तक। कल हमने ये भी देखा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और पहले से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं डर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो इसका ज्यादा असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है। कल ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ओपीडी की, जहां पर मरीजों से जो ओपीडी है वो फुल था, ज्यादातर मरीज बच्चे शामिल थे, इसलिए जो अभिभावक है वो फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजने पर संशय बना हुआ है। लेकिन हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में छात्र इंतजार भी कर रहे थे लंबे समय से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी तक ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, और जो पहली बार कॉलेज में आए हैं उन्होंने अब तक कॉलेज में एंट्री भी नहीं ली थी। तो एक अच्छी खबर कह सकते हैं छात्रों के लिए, राहत की खबर है, पहुंचेंगे लेकिन सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना यहां पर अनिवार्य हो जाएगा। बिल्कुल, काफी लंबे समय से जो छात्र इंतजार कर रहे थे और जिन्होंने अभी तक कॉलेज नहीं देखा था उनके लिए काफी राहत वाली खबर है कि बच्चे अब कॉलेजों में जा पाएंगे।